नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। आ चुका है मेरे पास शक्ति कॉमिक्स का नोवा सेट और इसमें है फैंटम, मैनड्रेक और फ्लैश गॉर्डन के कॉमिक्स। ये हिंदी एडिशंस हैं शक्ति कॉमिक्स ने, इनके अलावा इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज में भी इन्हें प्रकाशित किया है और इसे मैंने मंगवाया है कॉमिक्स अड्डा से। तो चलिए देख लेते हैं इन कॉमिक बुक्स को। और काफ़ी लेट हो गया आने में और ट्रांजिशन में, क्योंकि कुछ लेट हुआ है पब्लिशिंग में भी, बट मुझे लगता है कि उनका अगला सेट जल्दी आ जाएगा। बट तब तक के लिए हमारे पास है सेट 9 और इसके देखते हैं हम और इवेल्युएट करते हैं कि कैसा प्रिंट हुआ है। हालांकि इस बार पेजेस मुझे कम लग रहे हैं, ये काफ़ी पतली किताबें हैं, है ना। शक्ति कॉमिक्स डॉट कॉम और बेताल का टिकट, तो टिकट के नाम पे एक टिकट फ्री था इसके साथ। एक आप देख सकते हैं फैंटम का टिकट है, ये फ्री दिया गया है कॉमिक बुक के साथ। और बेताल का टिकट कहानी का नाम भी है ना। इसको यहाँ पर रखते हैं तब तक। और क्रिएटेड बाय ली फॉग, कथा टोनी डी पॉल, चित्रांकन माइक मैनले। तो क्या बात है, कवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे और अभिषेक विश्वास जी का कवर है और ये पेनअप भी काफ़ी अच्छा है। बाकी फैंटम के कॉमिक में ना एक नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है, एक किक है। जब आप उसे देखते हैं तो आप वो पुराने पेपर स्ट्रिप्स वाले जो आते थे हमारे दौर पे, पहुंच जाते हैं वहाँ पे। चाहे शक्ति कॉमिक्स हो या रीगल कॉमिक्स हो, एगमोंट हो, डायमंड कॉमिक्स हो, मेरे पास इनके काफ़ी वेरियंट्स हैं और पता नहीं इनसे एक अलग सा जुड़ाव है। फैंटम की बात अलग है, पता नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चाहे, इसीलिए इससे अलग लगाव है हम लोगों को। लेकिन क्या बात है, काम काफ़ी अच्छा किया है शक्ति कॉमिक्स ने। पेजेस पतले हैं और प्रिंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है यार, क्या बात है। आप देख सकते हैं कलर काफ़ी वाइब्रेंट से लिख रहे हैं, बिल्कुल अलग से आर्ट दिख रहा है कॉमिक में। हालांकि पेजेस थोड़े कम हैं, क्या करें, हम लोग को लालच बहुत है यार पढ़ने का है ना। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 28 पेजेस में ये कहानी ख़त्म हो रही है, फैंटम टिकट, बेताल का टिकट। और पीछे फैंटम के टिकट्स के बारे में जानकारी भी दी गई है कि कहाँ कहाँ से इन्हें ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था। और द फैंटम स्टैम्प बेताल की 246वीं दैनिक कहानी है, ये टोनी डी पॉल और माइक मैनले द्वारा रचित है। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी दी गई है। इसका मूल्य है 200 रुपये और डिस्काउंट के बाद आप इसे पुस्तक विक्रेताओं, कॉमिक्स अड्डा या शक्ति कॉमिक्स की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी बेताल 9, बेताल का टिकट। अगली कॉमिक्स उठाते हैं हम, जिसका नाम है मैनड्रेक, विचित्र मामलों का विभाग। यहाँ पे लोथार दिख रहा है, पीछे मैनड्रेक के हाथ और टोपी दिख रही है। बहुत ही डायनामिक कवर लगा मुझे, बहुत पसंद आया ये कवर। सो कुडोज टू अभिषेक विश्वास भाई, आपने बहुत शानदार काम किया है इसके कवर पे। तो काफ़ी पसंद आते हैं मुझे, अगर आप कुछ यहाँ पे ना अनोखा करने की कोशिश करते हैं, नॉट अ नॉर्मल कवर। तो बेशक शक्ति कॉमिक्स इस काम के लिए बधाई की पात्र है। जादूगरी का माहिर मैनड्रेक, डेफिनेटली जादूगर मैनड्रेक। और ये बिना पार्ट है अंदर, रचयिता ली फॉक, कथा एवं चित्र फ्रेड फ्रेडरिक्स। ये देखिए बहुत ही वाइब्रेंट इस बार आया है ये सेट हाथ में, बिल्कुल छप के। और जादूगर मैनड्रेक और लोथार आपको दिख रहे हैं अपने केस में उलझे हुए, क्या बात है यार। बात अलग है इन कॉमिक्स की। हालांकि मैनड्रेक को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, हालांकि इसके कार्टून्स मैंने काफ़ी देखे हैं बचपन में, बट अब शक्ति कॉमिक्स के कारण एक बार फिर से मैनड्रेक हमें प्राप्त हो रहा है पढ़ने के लिए, वो भी हिंदी में, हिंदी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब पीछे यहाँ पे इस मैनड्रेक की कहानी का कुछ सारांश भी दिया गया है या कुछ बताया गया है, विचित्र मामलों का विभाग। तो क्या बात है, काफ़ी अच्छा काम। इसके पेजेस जो हैं, ये भी 32 पेजेस की कॉमिक्स है, 4 पेज ज़्यादा हैं इसमें फैंटम से। और इस सेट की आखिरी कॉमिक्स है फ्लैश गॉर्डन, सीक्रेट एजेंट एक्स कोरिगन, X9, कैद से आज़ादी, शांति प्रस्ताव। तो मतलब दो कॉमिक्स हैं। कवर देखिए अंकित मित्रा का है, ऐसे एक्वामैन वाली फील आ जाएगी, देखेंगे आप तो, है ना। और ये देखिए पीछे का कवर अभिषेक विश्वास जी ने बनाया है, या कमाल का है, शानदार है काम यार शक्ति कॉमिक्स का, मानना पड़ेगा। ये पिनअप भी अभिषेक विश्वास का है। ये क्लासिक पोज मुझे बहुत पसंद है,
तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिबल हैं यार, मुझे तो ऐसा लगता है ना। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि शक्ति कॉमिक्स इन्हें प्रिंट कर रही है, और सपोर्ट कीजिए आप लोग है ना इस पब्लिकेशन को। अगर आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, रूटीन सुपर हीरोज से अलग हटके हमारे पुराने सुपर हीरोज के पास जाना चाहते हैं, तो ये आपका एक मौका है शक्ति कॉमिक्स के साथ जुड़ने का और उन्हें मौका देने का। प्रिंट अच्छा हुआ है, छोटी छोटी कॉमिक बुक स्ट्रिप्स हैं, आर्ट बहुत ही शानदार है। बीच में अभिषेक विश्वास जी का एक पिनअप भी देखा आपने, कमाल का है यार। पीछे कुछ जानकारी भी दी गई है सीक्रेट एजेंट X9 के बारे में, ये शायद इशू 10 में भी आएगा मेरे ख्याल से, और इसमें 22 पेजेस हैं टोटल ओवरऑल, कुछ एक आध पेज एक्स्ट्रा हैं जानकारी वाले। तो ये थी फ्लैश गॉर्डन। इसी के साथ दोस्तों इस अनबॉक्सिंग को हम करते हैं अब समाप्त, और काफ़ी अच्छा लगा देख के, सिर्फ एक ही मुझे कमी लगी पेजेस की, तो आशा है आगे जाके इस पर कभी काम ज़रूर करेगी शक्ति कॉमिक्स। बट मैं खुश हूँ क्योंकि इनके सेट्स लगातार आ रहे हैं, और हमें फैंटम मैंड्रेक और फ्लैश गॉर्डन की नई कहानियाँ अपनी पसंद की भाषा में पढ़ने को प्राप्त हो रही हैं। चाहे आप इंग्लिश प्रिफर करते हो, हिंदी प्रिफर करते हो, या एक स्पेसिफिक रीजन है अपना बंगाल का जहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित हैं ये पात्र, ये कैरेक्टर्स, और एक लिटरेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक स्कोप है, तो वहाँ पे भी बहुत पढ़ा जाता है इन्हें, तो बांग्ला में भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसे बांग्ला में भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो बढ़िया काम शक्ति कॉमिक्स, आपके सेट 10 का इंतज़ार रहेगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य कॉमिक्स पब्लिकेशन के कॉमिक्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट।